अगर अब भी इनको एनआरओ मिल जाएगा, ये मुल्क के अंदर डाकू राज होगा, कोई नहीं डरेगा डाके मारते हुए, करप्शन करते हुए। आपकी जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इनके केसेस अब आपस अपने पास लें और सुप्रीम कोर्ट इनके केसेस सुने, डे टू डे हेयरिंग करे। ये दुनिया में कभी ऐसा मजाक सुना है कि बाप बेटे दोनों ने उनको सजा होनी थी, एफआईए ने इनको सजा देनी थी, पहले तो केसेस खींचते गए ये, कोई एक साल पहले इनको सजा हो जानी चाहिए थी, लेकिन हमारा इंसाफ का निजाम नहीं दे सका। जब सजा होने लगी तो बाप प्राइम मिनिस्टर बन गया, केस खत्म, एफआईए के सारे लोगों को फारग जो इनके केस कर रहे थे, और उधर बेटा तैयार हो गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को मैं आज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद शरीफ खानदान के केसेस सुने, और हमें किसी के ऊपर अब एतमाद नहीं रहा।